दोस्तों, वैसे तो शेयर मार्केट की बहुत सारी कहानियां जिसमें लोग थोड़े बहुत पैसे लगाकर बहुत ज़्यादा अमीर बने हैं, लेकिन आज मैं आपको जो कहानी बताने जा रहा हूं उसमें एक व्यक्ति ने सिर्फ 10,000 रुपये लगाए थे और उस 10,000 रुपये से आज वो 880 करोड़ के मालिक हैं। वैसे तो आप राकेश झुंझुनवाला को भी जानते होंगे जिन्होंने सिर्फ 5,000 रुपये लगा के 20,000 करोड़ रुपये कमाए, लेकिन इनकी कहानी मुझे राकेश झुंझुनवाला से भी ज़्यादा अल्टीमेट लगती है। ऐसा मुझे क्यों लगता है और इनकी पूरी स्ट्रेटेजी जो आप भी फॉलो कर सकते हैं वो इस वीडियो में बताऊंगा, तो पूरी वीडियो को जरूर देखिएगा। स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप शेयर मार्केट में इंटरेस्टेड हैं और घर बैठे अपना शेयर मार्केट में अकाउंट खोलना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक वीडियो का लिंक दिया है, आप उस वीडियो को देखकर अपना अकाउंट खोल सकते हैं, तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा। सो दोस्तों, हमारी स्टोरी के हीरो का नाम है मोहम्मद अनवर। इनका जन्म महाराष्ट्र के एक बहुत ही छोटे से गाँव अमलनेर में हुआ था। ये टोटल 4 भाई थे और चारों भाई मिलकर अपने पिता के खेत में काम किया करते थे, लेकिन 1980 में इनके पिता की अचानक मौत हो गई, जिसके बाद इन चारों भाई ने डिसाइड किया कि ये उस ज़मीन को बेच देंगे और उससे जो भी पैसा आएगा उसे बराबर बराबर बांट देंगे। तो इन चारों भाई ने मिलकर उस ज़मीन को 80,000 रुपये में बेच दिया, जिससे सभी भाइयों के पास 20,000 रुपये आ गए। मोहम्मद अनवर उस समय 27 साल के थे और उनके 2 बच्चे भी थे, तो इस 20,000 रुपये का वो सोच रहे थे कि कहाँ पे इन्वेस्ट किया जाए। तो एक दिन वो चाय की दुकान पे बैठे हुए थे और उसी वक्त सतीश शाह नाम का एक शेयर ब्रोकर मुंबई से उनके गांव में आया कुछ लोगों से विप्रो कंपनी के शेयर खरीदने। अब आप सोच रहे होंगे गांव वालों पे विप्रो कंपनी के शेयर्स कहाँ से आ जाएंगे, तो इसके पीछे का राज छुपा है अमलनेर में। जो अमलनेर जगह है वहीं से विप्रो कंपनी की शुरुआत हुई थी। अजीम प्रेम जी, जो 2019 तक विप्रो कंपनी के चेयरमैन थे, उनके पिता ने 1947 में अमलनेर गांव में ही अपना पहला वेजिटेबल घी को मैन्युफैक्चर करने का प्लांट लगाया था। तो उस टाइम पे बहुत सारे गांव के लोग उस कंपनी में काम करते थे और कुछ उसके शेयर होल्डर भी थे। तो इन्हीं शेयर्स को खरीदने के लिए सतीश शाह नाम का शेयर ब्रोकर मुंबई से अमलनेर गाँव आया था, जहाँ पर मोहम्मद अनवर से उसकी पहचान हुई। मोहम्मद अनवर को शेयर मार्केट के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं थी, तो सतीश शाह ने मोहम्मद अनवर को उसके बारे में बताया और बताया कि जब आप एक कंपनी के शेयर खरीद लेते हैं तो आप उस कंपनी में हिस्सेदार बन जाते हैं। फिर मोहम्मद अनवर ने सतीश शाह की मदद की गांव वालों से शेयर खरीदने के लिए और लास्ट में मोहम्मद अनवर ने अपने लिए भी 100 शेयर खरीद लिए 100 रुपये के हिसाब से। तो टोटल 10,000 रुपये के शेयर मोहम्मद अनवर ने अपने लिए भी खरीद लिए। अब मैं आपको एक बार और क्लियर कर देता हूं कि 1980 में मोहम्मद अनवर ने 100 रुपये के हिसाब से 100 शेयर्स खरीदे थे विप्रो कंपनी के, जिसका टोटल अमाउंट था 10,000 रुपये। अब आप वीडियो को ध्यान से देखिए क्योंकि अब चमत्कार होने वाला है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि 1980 में उनके पास 100 शेयर्स थे, तो 1981 में कंपनी ने 1:1 का बोनस डिक्लेयर किया। अब उनके पास हो गए 200 शेयर्स। फिर 1985 में कंपनी ने दोबारा 1:1 का बोनस डिक्लेयर किया। अब उनके पास हो गए 400 शेयर्स। अब 1986 में कंपनी ने शेयर को स्प्लिट कर दिया 10 रुपये के हिसाब से, तो उनके जो 400 शेयर्स थे वो 4,000 शेयर्स बन गए। फिर 1987 में कंपनी ने 1:1 का बोनस डिक्लेयर किया, तो उनके 4,000 शेयर्स बढ़कर 8,000 हो गए। 1989 में दोबारा 1:1 किया गया, फिर उनके शेयर्स 16,000 हो गए। 1992 में फिर 1:1 का बोनस डिक्लेयर किया, अब उनके शेयर्स हो गए 32,000। 1995 में फिर 1:1 हुआ, अब उनके शेयर्स हो गए 64,000। फिर 1997 में 2:1 का बोनस डिक्लेयर किया गया, अब उनके शेयर्स हो गए थे 1,92,000। 1999 में 2 रुपये के हिसाब से शेयर को स्प्लिट कर दिया गया, अब उनके शेयर हो गए 9,60,000। फिर 2004 में 2:1 किया गया, अब उनके शेयर हो गए 28,80,000। 2005 में 1:1 का बोनस दिया गया, उनके शेयर्स बढ़कर हो गए 57,60,000। फिर 2010 में 2:3 का बोनस दिया गया, अब उनके शेयर्स हो गए 96 लाख। फिर 2017 में 1:1 का बोनस दिया गया और उनके शेयर बढ़कर हो गए 1,92,00,000। अब लास्ट अभी 2019 में बोनस दिया गया था 1:3 का और अभी उनके पास हैं 2,56,00,000 शेयर्स। अब आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे इसलिए मैं फिर से क्लियर कर देता हूँ कि 1980 में उन्होंने 10,000 रुपये के सिर्फ 100 शेयर्स खरीदे थे, वो शेयर्स बोनस की वजह से, और शेयर स्प्लिट होने की वजह से 2019 में 2,56,00,000 शेयर्स बन चुके हैं। और आज की डेट में विप्रो के एक शेयर की प्राइस है 344 रुपीज़ और 50 पैसा और टोटल उनके पास है 2,56,00,000 शेयर्स। तो ये टोटल होता है
881 करोड़ 92 लाख, राउंड फिगर भी कर लो तो 880 करोड़ रुपीज़ वो कमा चुके हैं। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं है, मैंने आपसे अभी तक एक राज छुपा कर रखा कि इस बीच उन्हें डिविडेंड भी तो मिला होगा। डिविडेंड वो अमाउंट होता है जो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को देती है एज अ रिवॉर्ड। ये जनरली कैश की फॉर्म में दिया जाता है, डायरेक्टली बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है, और कई बार शेयर्स की फॉर्म में भी दिया जाता है। तो मोहम्मद अनवर को अभी तक 170 करोड़ के आसपास डिविडेंड मिल चुका है, तो आप काउंट कर लेना 880 करोड़ के तो उनके पास शेयर हैं, प्लस 170 करोड़ का उन्हें डिविडेंड मिल चुका है, तो टोटल वो कितना कमा चुके हैं सिर्फ 10,000 रुपए लगा के कमेंट करके जरूर बताएगा। और यहाँ पे सबसे खास बात यह है कि उन्होंने तो सिर्फ 10,000 रुपए लगाए, बाकी उन्होंने कुछ थोड़ी किया, बाकी तो उस कंपनी ने किया। उन्होंने बोनस दिया, उन्होंने डिविडेंड दिया, उन्होंने शेयर को स्प्लिट किया और उनके 10,000 रुपए को 1,050 करोड़ रुपए बना दिया। तो आप भी सेम स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकते हो। अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा पैसा है तो आप किसी पर्टिकुलर कंपनी में लगाकर उसे छोड़ सकते हैं और हो सकता है कि आपका पैसा भी 1,000 गुना बढ़ जाए। तो अगर आप भी शेयर मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको एक वीडियो का लिंक दिया है, आप उस वीडियो को देखकर अपना घर बैठे ऑनलाइन शेयर मार्केट में अकाउंट खोल सकते हैं और पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी है, और इस तरीके की और वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।